वो तो तृतीय सेमेस्टर में जो पहला पेपर है आपका एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन लिखित पेपर है। और जैसा आपने देखा है ज्यादातर लिखित पेपरों में पांच पांच यूनिटों में इकाइयों में वो प्रश्न पत्र विभक्त किया गया है। इसमें भी उसी क्रम में पांच यूनिट्स आपको पढ़नी है इस प्रश्न पत्र अंतर्गत, जिसमें आपका यूनिट फर्स्ट है नेचर एंड इमर्जिंग प्रायोरिटीज ऑफ एजुकेशन। इसमें आपको शिक्षा है क्या, उसका अर्थ, उसका स्कोप, उसकी परिभाषा, उसके उद्देश्य, मूल्यपरक शिक्षा, लैंगिक शिक्षा, समानता, ये सारी चीजें आपको यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ाई जाएंगी। दूसरा जो यूनिट है आपका उसमें आपको विभिन्न विचारधारा जो बुद्धिजीवी हुए इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हुए उन्होंने अपनी अपनी विचारधारा प्रस्तुत की जिसे वाद के रूप में हम लोग जानते हैं। उसमें आपका प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद, ये सारे आपको वाद पढ़ने हैं और उसका शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानना है। जो यूनिट थर्ड है प्रथम प्रश्न पत्र का, विभिन्न जो शैक्षिक अभिकरण हैं अपने देश में, औपचारिक, अनौपचारिक, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के संबंध में, सरकारी एवं गैर सरकारी अभिकरणों की भूमिका के संबंध में एवं शैक्षिक समानता, इन बिंदुओं पर विस्तार से लेखन और पठन का कार्य इकाई तृतीय के अंतर्गत किया जाना है। यूनिट फोर्थ के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के लॉज पढ़ने हैं, जिसमें UNCRPD क्या है, किस लिए बनाया गया है, इसके संबंध में आपको चर्चा परिचर्चा करनी है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995, इस पे भी चर्चा करनी है, चूंकि 2016 में नया एक्ट बन चुका है तो सिलेबस में चूंकि नहीं है इसलिए 95 एक्ट की चर्चा करते हुए हम लोग 2016 के एक्ट पर भी चर्चा करेंगे। इसी तरह नेशनल ट्रस्ट एक्ट भी 99 में बना था, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और नेशनल पॉलिसी 2006 में बनी थी और अब परिवर्तित होके नई नेशनल पॉलिसी आ चुकी है, दोनों का कंपैरिजन हम लोग करेंगे, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और दोनों पे प्रकाश डालेंगे। और इसी तरह शिक्षा का अधिकार जो 2009 है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जो यूनिट फिफ्थ है, पांचवी यूनिट है आपकी प्रथम प्रश्न पत्र में तृतीय सेमेस्टर के, उसमें इंट्रोडक्शन टू स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। व्यवहारिक रूप से जब आप पास आउट होके अपने कार्य क्षेत्र में जाओगे, विद्यालयों में जाओगे, तो बहुत सारी भूमिकाएं आपको वहां मिलती हैं, जिसमें प्रपत्र कैसे बनाया जाए, उसका रख रखाव कैसे किया जाए, किन किन उपयोगिता के संबंध में कौन कौन से प्रपत्र होंगे, क्या क्या भूमिकाएं आपको मिलेंगी, प्रधानाध्यापक के रूप में क्या भूमिका हो सकती है, विशेष अध्यापक के रूप में क्या भूमिका हो सकती है, सामान्य अध्यापक के रूप में क्या भूमिका हो सकती है, रिसोर्स पर्सन के रूप में क्या भूमिका हो सकती है, कौन कौन सी योजनाएं आपको प्राथमिक स्तर पे बनानी पड़ सकती हैं, उन सभी की बिंदुवार चर्चा हम यूनिट फाइव में करेंगे। तो ये आपका संक्षिप्त परिचय था तृतीय सेमेस्टर के प्रथम लिखित प्रश्न पत्र का। बाकी संक्षेप में विवरण हमने आपको नोट करा दिया है, ग्रुप में भी आपके शेयर कर देंगे और
जब तक ऑफलाइन कक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसी प्रकार आपकी ऑनलाइन कक्षा संचालित होती रहेगी। प्रथम प्रश्न पत्र की बात हम करें तो एक संक्षिप्त में चर्चा हम लोग आज कर लेते हैं। आप सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हो, आपसे अनुरोध भी है और सूचनार्थ आपको सूचित भी करना है कि जो समय निर्धारित किया जाए ऑनलाइन क्लास से जुड़ने का, कृपया उसी निर्धारित समय में ही आप जुड़ जाएं। आपके लिए भी सुविधा रहेगी और हम शिक्षकों के लिए भी सुविधा रहेगी। पुनः प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दें। प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका है, उभरते भारतीय समाज और विद्यालय प्रशासन में शिक्षा, इसके अंतर्गत जब हम यूनिट फर्स्ट इकाई प्रथम जो शिक्षा की प्रकृति तथा उभरती प्राथमिकताएं इसका नाम ही है, इसके अंतर्गत हम उप इकाई 1.1.1 जिसमें शिक्षा का अर्थ, परिभाषा तथा कार्य क्षेत्र, इस पे हम चर्चा करेंगे। आप लोग चूंकि जब से आपने होश संभाला और आज शिक्षक बनने की दिशा में आप अग्रसर हो, ऐसी दशा में आपने शिक्षा के अलग अलग पहलुओं को देखा, समझा, सुना और यहाँ इस स्तर पे आप पहुंचे हुए हैं। थोड़ा सा आप स्वयं बताओ, शिक्षा का क्या अभिप्राय है आपकी नजर में? हम चाहेंगे हर्षित बताएं, शिक्षा किसे कहते हैं? जिसके जिससे हम अपने समाज के बारे में जानते हैं, अपने विचारों को अच्छा बनाते हैं और बाकी सारी मतलब अपनी गतिविधियों को सीखते हैं जो हमारे जीवन यापन के लिए जो जीवन यापन को आसान बनाती है। गुड। मानसी, मानसी जी सर, शिक्षा किसे कहते हैं? सर शिक्षा हम उसे भी कह सकते हैं जो मतलब हमने जो गेन किया वो आगे किसी और के लिए भी यूटिलाइज हो सके। अगर आपने कोई चीज नॉलेज ली है वो आप किसी और को भी दे सके, ये भी एक शिक्षा ही है। गुड। संत भैया, संत जी सर आपके अनुसार शिक्षा क्या है? सर मेरे अनुसार शिक्षा ये है कि शिक्षा से ही हम अपना जीवन सरल एवं सुदृढ़ कर सकते हैं और समाज में अपने आप को अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। गुड, बढ़िया है। हम लोग पुनः चर्चा कर लेते हैं। इकाई में निर्धारित सिलेबस के अनुसार शिक्षा के अर्थ की चर्चा हम लोग करेंगे। शिक्षा का अर्थ यदि देखा जाए तो विचारकों ने दो प्रकार के अर्थ में विभाजित किया है शिक्षा के अर्थ को, एक शिक्षा का व्यापक अर्थ, एक शिक्षा का संकुचित अर्थ। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत अगर हम देखें तो व्यापक अर्थ में जितना भी हम भ्रमण करते हैं, जैसा आप लोगों ने अभी बताया, भ्रमण करके जो भी हमारे समाज में कल्चर होते हैं, विवाह उत्सव है, सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित उत्सव है, मेले हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग सामाजिक, सामुदायिक या पारिवारिक स्तर पर आयोजित करते हैं, उनसे जो भी अनुभव प्राप्त करते हैं, क्योंकि हर कार्यक्रम से जब हम वहां प्रतिभाग करते हैं, हर भ्रमण से जब हम वहां घूमने जाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं और प्राप्त करके संग्रहित करते हैं, उस पर चिंतन मनन करते हैं। विचारकों के अनुसार वे सभी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं व्यापक अर्थ में, क्योंकि उसमें आपके लिए कोई निश्चित अवधि नहीं होती, कोई निश्चित परिवेश नहीं होता। आप जहां भी घूमने जाते हो,
जहां भी कोई चीज का अवलोकन करते हो और जो कुछ आपको समझ में आता है, जिसे अपनी भाषा में हम लोग सबक बोलते हैं, या कभी कुछ घटनाएं आपके साथ घटित होती हैं, ऐसी दशा में बहुत सारा ज्ञान शिक्षा हमें प्राप्त होती है। वे विचारकों के अनुसार वे सभी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा बिंदु है, इस व्यापक अर्थ के अंतर्गत हर व्यक्ति शिक्षार्थी है और हर व्यक्ति शिक्षक है। क्योंकि जब आप देखो कि व्यापक अर्थ के अंतर्गत जब हम भ्रमण करने जाते हैं या किसी समारोह में प्रतिभाग करते हैं, तो ऐसी दशा में परिस्थिति हमको सिखाती है और हम जो सीखे हुए होते हैं वो दूसरे को सिखाते हैं। तो किसी परिस्थिति में हम शिक्षार्थी हैं और दूसरी परिस्थिति में हम शिक्षक हैं। तो ये परिस्थिति व्यापक अर्थ के अंतर्गत ही आती है। राज्य अपनी संस्थाओं द्वारा हमें शिक्षित करता है, यह भी चूंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं, विभिन्न अवसरों पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, अवेयरनेस के कई चीजें समाज में ही आयोजित की जाती हैं, जिससे हमें बहुत सारी शिक्षा प्राप्त होती है। तो वो सब जो जितना भी हम वो शिक्षा प्राप्त करते हैं इन माध्यमों से, वो सभी शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत है। इसी तरह विभिन्न आयोजनों में भाग लेकर हम कुछ न कुछ सीखते ही हैं। जैसा अभी हमने चर्चा किया कि जो कुछ भी हम भाग लेते हैं, कुछ न कुछ वहां पे हम सबक लेते हैं, ज्ञान लेते हैं और सीखते हैं। जब हम यात्रा करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं यात्रा करते हो और घर से चल के प्रशिक्षण केंद्र तक आते हो, उस समय भी बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी घटित होती हैं कि हमें सीखने को मिलता है। वह सीखा हुआ ज्ञान, वह सीखी हुई शिक्षा भी शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत ही आती है। तो इस प्रकार जो विचारकों ने बताया है, शिक्षा का ये व्यापक अर्थ हुआ। इसी प्रकार शिक्षा के संकुचित अर्थ, दूसरा जो प्रकार था शिक्षा का संकुचित अर्थ, इसमें संकुचित अर्थ में शिक्षा, जैसा आप अध्ययन करते हो कि एक निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, वहां पर दी जाती है। उसका समय निर्धारित होता है कि कब से कब तक वो शिक्षा आपको दी जाएगी। निश्चित व्यक्ति होते हैं, मतलब शिक्षक निश्चित होते हैं कि किनके द्वारा और कौन सी शिक्षा आपको दी जाएगी, तथा निश्चित पाठ्यक्रम भी होता है कि क्या क्या आपको, कौन कौन सी शिक्षा आपको प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार ये शिक्षा का संकुचित अर्थ हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं शिक्षा की परिभाषा। विभिन्न विचारकों ने अपने अपने विचार शिक्षा के परिभाषा के संबंध में व्यक्त किए हैं। उसी में से कुछ विचार हैं। अरस्तु महोदय ने कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन ही शिक्षा है। प्लेटो महोदय ने बोला है, शिक्षा से तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो बालकों के सद्गुण की मूल प्रवृत्ति के लिए उपयुक्त आदतों के निर्माण द्वारा प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार पेस्तालात्सी महोदय ने बोला है, मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। हर्बर्ट ने कहा है, शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। वार्ड महोदय का कहना है, शिक्षा का तात्पर्य प्राप्त ज्ञान का सार्वभौमिक वितरण है। इसी प्रकार भारतीय विचारकों, जिसमें महात्मा गांधी का प्रमुख स्थान है, शिक्षा से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर एवं आत्मा के सर्वोत्कृष्ट रूपों को प्रस्फुटित कर दे। ये विचार महात्मा गांधी के हैं।
इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर ने भी शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं ही नहीं देती वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तादात्म्य स्थापित करती है। ये शिक्षा की परिभाषा थी। इसी प्रकार शिक्षा का कार्य क्षेत्र के अंतर्गत यहां कार्य क्षेत्र का तात्पर्य दृष्टिकोण, दृश्य, अनुप्रयोग, संचालन और प्रभावशीलता की सीमा की जानकारी, कार्यक्षेत्र शिक्षा के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत इन इन चीजों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। मनुष्य के जीवन के साथ पूर्ण संबंध का जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो शिक्षा का कार्यक्षेत्र है। कार्यक्षेत्र के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि मनुष्य का पूरा जीवन ही शिक्षा के दायरे में आता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, रचनात्मक और आध्यात्मिक विकास भी शिक्षा के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित होता है। आसपास के वातावरण में अपने को अनुकूलित करना भी शिक्षा के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और संक्षेप में बस इतना ही कहना है, शिक्षा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें शिक्षा व सीखने की परिस्थिति के साथ शिक्षार्थी तथा शिक्षक के शिष्टाचार, नैतिकता, स्वाद, रुचि, पसंद, नापसंद, प्रेम, घृणा इत्यादि का अध्ययन सम्मिलित होता है। इस प्रकार प्रथम यूनिट, प्रथम इकाई जो थी उसका प्रथम उप इकाई पर सारे बिंदुओं पर आपसे आज की क्लास में हमने चर्चा की। इकाई का समापन हुआ है। इसके पश्चात आपकी कक्षा सोनिया मैडम द्वारा संचालित की जाएगी। आप बने रहिए, सोनिया मैडम कंटिन्यू कर रही हैं। धन्यवाद।